सो इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। इसमें हम देखेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर एट्सेट्रा। सी डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें ये आर्ट एंड कल्चर ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है इन हिस्ट्री पार्ट। और इन सब को पढ़ने के लिए यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर रिसोर्स। अगर कोई जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है ना तो वो होता है इंडिया ईयरबुक या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ जो करंट अफेयर्स में चल रही है। एंड इसका एक बहुत एक्सेलेंट सोर्स है दिस सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम इस CCRT वेबसाइट को देखने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटररी आर्ट्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट लेटेस्ट फोटोग्राफ्स और रीसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये काफ़ी अप टू डेटेड मटेरियल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम इस CCRT के सारे कंटेंट को देखेंगे जो रेलेवेंट है फॉर अवर प्रिपरेशन रिगार्डिंग दिस विजुअल आर्ट्स जिसे देखा जा सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसे ह्यूमन्स हम परफॉर्म करते हैं, और लिटररी आर्ट्स। लिटररी मतलब जो लिखित लिखा हुआ है, रिटन है, दैट इज़ लिटररी आर्ट। तो विजुअल, परफॉर्मिंग, लिटररी आर्ट्स। कल हम जब इंडिया ईयरबुक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था CCRT का, उसमें काफ़ी मेंशन है। अगेन ये जो सोर्सेज होते हैं ये गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, तो इसमें जो कंटेंट होता है वो काफ़ी बैक्ड और रेलेवेंट और ऑथेंटिकेट माना जाना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द CCRT वेबसाइट। इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हम इसमें जितना भी कंटेंट है CCRT में हमारे एग्जाम रेलेवेंट हम सारा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स क्या होती हैं? विजुअल आर्ट्स मतलब वो जो आप देख सकते हैं, दिस इज विजुअल आर्ट, दीज आर विजुअल आर्ट्स लाइक पेंटिंग्स एंड ऑल, दीज आर विजुअल आर्ट्स। अब यहाँ का आप रिसोर्सेज देखिए, इस विजुअल आर्ट के सेक्शन में यहाँ है इंडियन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में ये इंडस सिविलाइजेशन है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है। ये भी अगेन काफ़ी डिटेल में है लाइक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई महाराष्ट्र, देन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक। अभी हम सेंट्रल विस्टा का रिवैम्प देख रहे हैं, ये जैसे राष्ट्रपति भवन है, कॉनॉट प्लेस है। तो सी हाउ एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड कंटेंट यहाँ पे दिया है आर्ट एंड कल्चर का। देन इंडस इंडियन स्कल्पचर्स हैं, तो आर्किटेक्चर होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं स्मॉल स्केल, इसमें भी इंडस, बुद्धा, गुप्ता, मेडिवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर अगर अपन देखें तो सी यहाँ पे दिस इज गंगा, डिटेल महाबलीपुरम तमिलनाडु टेम्पल है। देन यहाँ पे क्या लिखा है, रावण शेकिंग माउंट कैलाशा, कैलाश टेम्पल, ये कहाँ पर है, एलोरा महाराष्ट्र में है। देन त्रिमूर्ति एलिफेंटा केव्स हैं एंड दिस इज़ नटराज बृहदेश्वर टेम्पल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो विजुअल आर्ट सेक्शन है इसमें इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर और इंडियन पेंटिंग। पेंटिंग में भी इफ़ यू सी देर आर वॉल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स जैसे ये कहाँ की पेंटिंग है, ये पेंटिंग्स हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश की, और ये वाली पेंटिंग कहाँ की है, ये है अजंता केव्स पेंटिंग इन महाराष्ट्र। देन यहाँ पे आप पेंटिंग देखिए, डिज़ाइन ऑन द सीलिंग अजंता केव, सीलिंग मतलब छत पे है ये। ओके, सो कंटेंट इन दिस वेबसाइट इज़ एक्सेलेंट, टॉप नॉच कंटेंट है। यहाँ पे बुद्धा विजिटिंग वाइफ एंड सन, दिस इज़ इन अगेन इन अजंता केव्स। सो इस तरीके से ये जो विजुअल सेक्शन है, विजुअल आर्ट फॉर्म्स हैं, इसमें इंडियन आर्किटेक्चर है, सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट टेम्पल, इंडो इस्लामिक, मॉडर्न, देन स्कल्पचर्स हैं अगेन डिफरेंट, और ये इंडियन पेंटिंग्स हैं। तो जैसा ये विजुअल आर्ट है सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज में देखें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे, डांसेस, डांस फॉर्म, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिशी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ये म्यूजिक ऑफ इंडिया है, ये थिएटर फॉर्म है, ये पपेट फॉर्म्स ऑफ इंडिया है। देन अगेन रिसोर्सेज में जाके अपन लिटररी आर्ट्स में जाएँ, सो दीज आर लिटररी आर्ट्स, एंशियंट इंडियन, पुरान, क्लासिक संस्कृत क्या होती है, पाली एंड प्राकृत, द्रविड़न, मेडिवल, विमेन पोएट्स ऑफ भक्ति, ट्रेंड्स क्या है, मॉडर्न इंडियन, देन प्रोग्रेसिव, देन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। सो ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस पूरे कंटेंट को यूटिलाइज करने वाले हैं। मेरा रोल यहाँ पे ये होगा कि हम ऑब्वियसली दिस कंटेंट इज़ अवेलेबल टू यू, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट CCRT एंड सी ऑल ऑफ दिस कंटेंट।
व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वुड बी सिस्टमेटिकली अगेन रीडिंग एंटायर कंटेंट और उसमें वैल्यू एडिशन व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, वी वुड बी गेटिंग दिस वैल्यू एडिशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, ऐसे करके हम एक सिस्टमेटिकली इस पूरे सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। इससे आपका जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, चाहे एनी एग्जाम हम जीरो लेवल टू हाई लेवल देखेंगे, उसमें ये बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो होती है, दीज आर कॉल्ड विजुअल आर्ट। अगेन द लेंथ ऑफ एवरी वीडियो वुड बी अराउंड 30 मिनट्स, देन सिमिलरली पार्ट 1, 2, 3, 4, बट वी आर गोइंग टू कवर दिस एंटायर सेक्शन, विजुअल, परफॉर्मिंग एंड लिटरेरी हम सब पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस विजुअल आर्ट। यहाँ पे फोटोग्राफ्स कौन से दिए हैं? सी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, ये किसका है? लायन कैपिटल है, अशोक स्तंभ स्टोन, सारनाथ, उत्तर प्रदेश। इंडिया ईयरबुक में आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखा था ना, ये 4 लायन है। देन ये अबेकस के बारे में दिया था, ये 4 जो एनिमल्स हैं इसके, इन्वर्टेड लोटस, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर पूरी चीज़ें दिखी है। हैव अ लुक, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, दिस CCRT मटेरियल, दीज आर सम वेरी गुड मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, नाउ ये कौन सा चीज़ है यहाँ पे? ये स्कल्पचर्ड पैनल है, फीमेल फिगर्स एंड मिथिकल एनिमल, अधिंता टेम्पल, खजुराहो, मध्य प्रदेश। सो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग, विजुअल आर्ट स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में भी विजुअल आर्ट का जो ये सेक्शन है, हम इसको एक बार पूरा देखते हैं। सो इंडिया जो है ना, ये एक लैंड ऑफ वेरिटेबल ट्रेजर है। वेरिटेबल मतलब वास्तविक, एट वंस इंटरेस्टिंग टू द टूरिस्ट एज वेल एज टू एन इंक्वायरिंग स्टूडेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। बिकॉज जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, ये कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन रही है, ब्रेक नहीं हुआ है सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दैट इज़ वाई इसमें रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, रिच ट्रेडिशन है, बहुत एनरिच्ड सोसाइटी है हमारी इंडियन स्टाइल। इंडिया हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। नो दिस थिंग, पिक अ कॉपी और पेन विद यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देन नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स। इससे क्या होगा, आपका रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिविजन ईजिली होगा, और रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुइज़म, बुद्धिज़म और जैनिज़म, ये 3 मेन रिलीजन है जो इंडिया में ओरिजिन हुए हैं। दे हैव इंस्पायर्ड मोस्ट ऑफ हर इंडियन आर्ट। इंडिया के जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, ये एंशंट है एंड डीपली रूटेड इन रिलीजन। रिलीजन का काफ़ी महत्व होता है हमारे यहाँ। वाइल एट वेरियस टाइम्स इन अर लॉन्ग हिस्ट्री फॉरेन रेसेस, मतलब विदेशी इंडिया में आए हैं, कल्चर्स एक्सरसाइज्ड, और इन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया है इंडियन आर्ट फॉर्म्स में। जैसे कि हम गॉथिक स्टाइल भी इंडिया में देख सकते हैं, हम मुगल स्टाइल भी देख सकते हैं। देयर आर सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन आर्ट एंड फॉर्म्स इन इंडियन स्टाइल। मेन एस्थेटिक करेंट्स रिमेन प्रीडोमिनेंटली इंडियन, पर जो अगेन जो मेन एस्थेटिक था वो इंडियन ही रहा है। कैरेक्टर ऑफ इंडियन आर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक एंड स्कल्पचरल। प्लास्टिक ऑर्गेनिक है और स्कल्पचरल है। दिस इज वेल सिंबलाइज्ड बाय द नेचर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, प्राइमरली अ स्कल्पचरल मास रादर देन स्पेस एनक्लोजर। सो जो स्कल्पचर है इंडियन आर्ट का, पार एक्सेलेंस, दैट इज़ वंडरफुल। सो इट इज़ एन आर्किटेक्चर दैट द नेशनल जीनियस हैज शोन इट्स मोस्ट अनक्वेश्चनेबल ओरिजिनैलिटी, एंड सच ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस इन कनेक्शन विद इंडीड एज एन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। सो अगेन दे आर प्रेजिंग इंडिया का बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, अनक्वेश्चनेबल ओरिजिनैलिटी है यहाँ पे। सो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर अपन देखें ना, तो आर्किटेक्चर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इट इज आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस फंक्शनैलिटी एंड ब्यूटी फुली। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर, सी आर्किटेक्चर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस, स्पेस को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फंक्शनैलिटी एंड ब्यूटीफुली। तो ये जो स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये डिपेंड करता है अगेन ज्योग्राफी में। सो दैट इज़ वाई ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है किस पर्टिकुलर प्लेस का आर्किटेक्चर कैसा होगा। जैसे US में आप जाओ, US में बहुत स्पेस का कमी रहता नहीं है, खूब सारा स्पेस है वहाँ पे। तो वहाँ एवरीथिंग ग्रैंड, लेविश, बड़ा बड़ा इस टाइप के बिल्डिंग्स एंड स्पेशियस बिल्डिंग्स बनाने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहाँ पे जाओ जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कॉम्पैक्ट बिल्डिंग्स बनेगी, वहाँ स्पेस कम है तो कम स्पेस में वो ज़्यादा यूटिलाइज करने का पड़ेंगे। तो यूटिलिटेरियन फीचर्स, यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर ऐसे जनरेट हो जाता है। अ ग्रेट आर्किटेक्चर क्लोथ्स हिज वेल स्पेटियल स्ट्रक्चर विद अ फॉर्म ऑफ ब्यूटी, नॉट एन एक्सट्रॉनियस सुपर इम्पोज्ड ब्यूटी, बट इनहरेंट इन ऑल द स्ट्रक्चर।
इन एवरी पार्ट मेकिंग द होल द डोमिनेंस ऑफ द स्कल्पचरल मोड इन इंडिया. नाउ इज ड्यू टू इंडिया की प्रोपेंसिटी है स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर कल्चर फॉर कार्विंग स्कल्पचरल केव्स एंड टेम्पल्स. अगेन केव्स एंड टेम्पल्स क्या है, ये टेम्पल्स का भी इवोल्यूशन हुआ है. पुराने स्टाइल के टेम्पल्स थे, देन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, देन नगाड़ा टेम्पल आए नॉर्थ में, देन द्रविड़न टेम्पल थे साउथ में, इन दोनों का मिक्सचर होगा. ये सब चीज़ें अभी हम आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं. हैव पेशेंस और सिस्टमेटिकली हमें आगे एकदम ग्राउंड जीरो से बढ़ना है और एट द सेम टाइम लैंग्वेज हमें रिफाइन करते जाना है. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस. ट्राई टू पिक दिस लैंग्वेज, एक्सेलेंट लैंग्वेज है यहाँ पे. तो ये लिविंग रॉक है, माउंटेन एस्कार्पमेंट है, आउट क्रॉपिंग है. एंशियंट इंडिया में द आर्ट्स वर नॉट सेपरेटेड एज they fortunately are today. The architecture, sculpture, painter, ये सब एक ही person हो जाता था, ऐसे division of work नहीं था. तो sculpture were invariably painted in color and the sculpture generally was not freestanding, combined थे but formed part of the temple structure. तो temple भी आज के जैसे temple नहीं होते थे, temple की बहुत utility होती थी. जैसे south में आप temple देखो, उन temple में क्या होता है, काफ़ी सारे सोशल सोसाइटल फंक्शंस होते हैं, मैरिज होता है वहाँ पे, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, फूड होता है, गैदरिंग होती है. सो दैट इज़ वाई उन्होंने टेम्पल को डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटल फंक्शंस, ग्रुपिंग्स हो सके. सो यूटिलिटी होती है. सो इन दिस वे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग वर इन फैक्ट मच मोर इंटीमेटली कनेक्टेड देन दे आर टूडे एंड मच ऑफ दिस वॉज अ हैप्पी कॉम्बिनेशन. तो यूटिलिटेरियन थे और सब एक ही पर्सन बिकॉज डिज़ाइन भी कर रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, एवरीथिंग. तो दैट इज़ वाई इनिशियल जो थ्रस्ट था आर्किटेक्चर में वो ऐसे जनरेट हुआ था. अब जो इंडिया होता है, इंडिया ऑक्यूपाइज एन एग्जॉल्टेड पोजिशन इन द रियलम ऑफ आर्ट ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. अगर ग्रीक्स एक्सेल्ड इन पोर्ट्रेल ऑफ द फिजिकल चार्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगेन जो ग्रीक्स होते हैं तभी तो, दैट इज़ वाई वी कॉल लाइक ऋतिक रोशन इज ग्रीक गॉड. वाई? बिकॉज फिजिकल ह्यूमन बॉडी का वहाँ पे चार्म ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, पोर्ट्रेल होता है. इजिप्शियन जो रहते हैं वो ग्रैंडियर ऑफ द पिरामिड, इजिप्ट के जो पिरामिड है वो एक्सेप्शनल है. चाइनीज इन द ब्यूटी ऑफ देयर लैंडस्केप, बिकॉज चाइना में जो नेचर है, लैंडस्केप है, फिजिकल फीचर्स हैं वहाँ के, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है. और जो इंडियंस हैं, इंडियंस वर अनसरपास्ड इन ट्रांसमिटिंग द स्पिरिचुअल कंटेंट इनटू देयर प्लास्टिक फॉर्म. हम स्पिरिचुअलिटी के लिए इंडियंस काफ़ी जाने जाते हैं. एम्बॉडिंग द हाई आइडियल्स एंड कॉमन बिलीव्स ऑफ द पीपल. नाउ द इंडियन आर्टिस्ट विजुलाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ वेरियस गॉड्स, भगवान, कितने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं एज मेंशन इन देयर स्क्रिप्चर, एंड इन्फ्यूज दीज क्वालिटीज इन टू देयर इमेजेस हुज प्रपोर्शन दे बेस्ड ऑन द आइडियलाइज फिगर ऑफ मैन एंड वेमेन. तो इन्होंने हर चीज़ का विजुलाइज करके गॉड एंड गॉडेस में उनको मार्क करने का कोशिश किया. इंडियन आर्ट इज डीपली रूटेड इन रिलीजन एंड इट कंड्यूसेस टू फुलफिलिंग द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड मोक्षा और रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. दो क्वालिटी होती है इंडिया में अबाउट विच इंडियन आर्टिस्ट केयर्ड मोर देन अबाउट एनीथिंग एल्स, जैसे कि फीलिंग फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस, एंड विविड रिप्रेजेंटेशन इवन एट द रिस्क ऑफ सेक्रीफाइसिंग एट टाइम्स एनाटॉमिकल ट्रूथ और पर्स्पेक्टिव. तो स्पेस का इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, वॉल्यूम जो है, और दूसरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इंडियन आर्किटेक्चर में. A sense of narrative, a taste of decoration, keenness of observation are clearly brought out in each sculpture. तो ये चीज़ें यहाँ पे important थी. एक तो narrative, एक taste होता है, theme होता है, these were sought after here. Now, Indian art is a wholesome, youthful and delicate art, a blend of symbolism and reality, spirituality and sensuality. Indian art may well be said to bear in itself the greatest lesson and exemplary continuity from prehistoric time to the present age. मतलब बहुत पुराने टाइम से प्रेजेंट एज में ये इंडियन आर्ट कॉन्टिन्यू होते आई है. Together with an art, the greatest lesson and exemplary continuity from prehistoric time to present age. Exceptional coherence है. Coherence means होता है systematic है चीज़ें. So we said earlier that Indian art was inspired by religion. Religion बहुत important role था. For India is the birthplace of
थ्री वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजन कौन कौन से हैं? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एंड दीज थ्री फेथ्स हैव इंस्पायर्ड मोस्ट ऑफ अवर इंडियन आर्ट। वी यूज द वर्ड मोस्ट पर्पजली फॉर द सिंपल रीजन दैट नॉट ऑल इंडियन आर्ट इज रिलीजियस। तो रिलीजियस आर्ट्स भी हैं और नॉन रिलीजियस आर्ट्स भी हैं इंडिया में। अब जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वॉज अ मैन ऑफ दिस यूनिवर्स। He lived here, looked around himself, saw the joys, sorrows of life and reproduced them in whatever medium he happened to be working in at a given time. जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया, देन उन्होंने डॉक्ट्राइन डेवलप किया। तो इंडियन आर्टिस्ट भी ऑब्जर्वेशन करते थे और उसको डिपिक्ट करते थे इस आर्ट फॉर्म में, joys, sorrows, etc. Clay, wood, paper, metal, stone, ये अलग सारे मीडियम रहे हैं। सो द क्रिएशन ऑफ आर्ट बाय द इंडियन आर्टिस्ट आर नॉट रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। रियलिटी नहीं दिखाती है, वो क्या दिखाती है? विजुअलाइजेशन दिखाती है। इन द सेंस वी अंडरस्टैंड द टर्म ऑन ग्रीक और रोमन आर्ट, बट दे आर इमेजिनड एंड आइडियलाइज। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्ट फॉर्म। हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ कोई एक रियलिटी होगी और उस रियलिटी को हम एक विजुअलाइज करेंगे। जो जिसने उस आर्ट फॉर्म को बनाया है वो अपना उसमें विजुअलाइजेशन करके उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एट टाइम्स वो रियलिटी से थोड़ा दूर भी चली जाती है। नन हैड एक्चुअली बीन द मेजर गॉड्स लाइक राम, कृष्ण, विष्णु, शिवा, बट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द स्क्रिप्चर, इंडियन आर्टिस्ट विजुअलाइज देम एज शोन जनरली स्टैंडिंग इरेक्ट, सिग्निफाइंग मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम। सो इन फॉर्म द मेल्स आर वर्चू बींग्स, ब्रॉड शोल्डर्ड है, डीप चेस्टेड है, नैरो हिप्ड है। मतलब उन्होंने एक पैटर्न सोचा था कि ऐसा आइडियलिस्ट मैन होना चाहिए, आइडियल शेप होना चाहिए, और उन्होंने उसको वैसे ही बनाना चालू कर दिया। द फीमेल्स आर प्रिसाइजली कॉन्ट्ररी टू द मेल्स, नैरो शोल्डर्स, हैविंग फुल एंड फर ब्रेस्ट एंड अटेन्यूएटेड वेस्ट एंड ब्रॉड हिप्स। द फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्टिस्ट रिप्रेजेंट मत्री और मदर। इन द कोर्स ऑफ दिस गाइड बुक वी प्रपोज टू कीप द हम फॉर्म इज द पैग ऑन विच टू हैंग अवर स्टोरी एंड विल वेंचर टू सी द हम बॉडी ट्रीटेड बाई डिफरेंट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग स्टाइल्स। अब यहाँ पे लाइक एंड डिसलाइक ऑफ अ पर्टिकुलर एज के हिसाब से ये अगेन चेंज होता हुआ है। इंडियन आर्ट इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ एंशियंट कंटेम्प्ररी लाइफ। उसका फेथ और उसका बिलीफ, उसका कस्टम, उसका मैनर, इन सब का एक फॉर्मेट है। इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम टू बी द फंक्शन और पर्पज ऑफ आर्ट ऑफ एनी एज टू मिरर कंटेम्प्ररी सोसाइटी। आर्ट क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं ना, बॉलीवुड मिरर द सोसाइटी, आर्ट मिरर द सोसाइटी। उसके कस्टम, मैनर, हैबिट्स, मोड्स, ड्रेस, ऑर्नामेंटेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देख के अज्यूम करते हैं कि उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी रही होगी। सो दैट इज़ वाई जो आर्ट फॉर्म होती है वो डिपेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी को। पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, गिविंग एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट एंड फीलिंग। पेंटिंग भी, पेंटर से वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द मीडिया ऑफ लाइन एंड कलर। मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, व्हेन मैन वॉज ओनली अ केव ड्वेलर। बहुत बहुत पहले हम क्या थे? एक केव ड्वेलर थे, गुफा में रहते थे। ही पेंटेड हिज रॉक शेल्टर्स टू सेटिस्फाई हिज एस्थेटिक सेंसिटिविटी एंड क्रिएटर्स। और उसी टाइम पे हमने भीम बेट का पेंटिंग, इस टाइप की पेंटिंग्स में इंटरेस्ट दिखाया। अमंग इंडियंस द लव ऑफ कलर एंड डिज़ाइन इज सो डीपली इनग्रेन्ड। कलरफुल इंडियन बहुत होते हैं और डिज़ाइन पे भी बहुत ध्यान देते हैं। दैट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम दे क्रिएटेड पेंटिंग्स and drawing even during the period of history for which we have no direct evidence. So this is about Indian color and Indian design. अब एक चीज़ होती है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? कड़ी काफ़ी बड़े साइज़ की जो पेंटिंग है उसको शॉर्ट छोटी जगह पे दिखाना, दैट इज़ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन टू रिलीजियस टेक्स्ट। तो जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी दिखाई पड़ती है। बुद्धिज्म में एक्सिक्यूटेड अंडर द पाला। पाला कहाँ थे? ईस्टर्न साइड में रहते थे, बंगाल एंड ऑल। जैन एग्जीक्यूटेड वेस्टर्न इंडिया 11th एंड 12th सेंचुरी। ये ऐसे मिनिएचर पेंटिंग अपने टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स में लिखते थे। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द पर्शियन फेशियल टाइप एंड हंटिंग सीन अपियरिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ सम ऑफ द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कल्प सूत्रा। नोट डाउन दिस वर्ड, कल्प सूत्रा। पर्शियन मतलब आज का ईरान, तो वहाँ से हमारा इन्फ्लुएंस आने लग गया 15th सेंचुरी होते होते। फिर आया मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग लैंडमार्क था इन द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। इसने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया पेंटिंग में। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द रीन ऑफ अकबर। कब? 1560 AD में। ये मुगल पेंटिंग आने चालू हो गई थी।
दो नो प्री मुगल पेंटिंग फ्रॉम द डेक्कन आर सो फार नोन एज टू एग्जिस्ट येट इट कैन सेफली बी प्रज्यूम दैट सोफिस्टिकेटेड एंड स्कूल्स ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड देयर. प्री मुगल में भी ऐसा नहीं है कि पेंटिंग नहीं थी. सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग फ्लरिश्ड देयर मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया. अब जो अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग डेक्कन, डेक्कन मतलब ज्योग्राफी में पढ़ाना, डेक्कन प्लेटू नीचे साउथ में है. ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी अहमदनगर, नोट डाउन, ऑलवेज कीप अ मैप विद यू. अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा, ये सब प्लेसेस हैं. इन द डेक्कन पेंटिंग कंटिन्यू टू डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ द मुगल स्टाइल. तो ये स्टाइल अलग चल रही है, मुगल का इन्फ्लुएंस नहीं है बिगिनिंग में, बट जब 17 और 18 सेंचुरी होगा तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाएगी किससे, मुगल स्टाइल से. मुगल पेंटिंग विच इज़ प्राइमरली सेक्युलर थी, द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन सेंट्रल इंडिया. तो ये सेक्युलर पेंटिंग रही है. राजस्थान और पहाड़ी रीजन, अगेन मुगल में क्या होगा, जब इनको पैट्रोनेज मिलना बंद हो जाएगा यहाँ के आर्टिस्ट को, तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में मूव करेंगे और फिर अलग अलग रीजन्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, इस टाइप से. डीपली रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एपिक रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि पुराण है, लव पोएम्स फेमस हैं, एंड देन संस्कृत और अदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी. इंडिया का जो फोकलोर है एंड द वर्क ऑन म्यूजिकल थीम्स, द कल्ट ऑफ वैष्णविज्म, शैविज्म, एंड ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं. शक्ति एक्सरसाइज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द पिक्टोरल आर्ट ऑफ दीज प्लेसेस. सो दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं इंडिया में पेंटिंग क्या दिखाती है, सोसाइटी को दिखाती है. उस टाइम पे सोसाइटी जैसी थी, पेंटिंग आर्ट आर्किटेक्चर भी वो ही रिफ्लेक्ट करने लग जाता है. पहाड़ी रीजन कहाँ होते हैं, ये नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश में, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ पंजाब, एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट गढ़वाल इन यूपी. सो द होल ऑफ दिस एरिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्टेट्स यूटिलाइज बाई द राजपूत प्रिंसेस एंड वर ऑफन एंगेज्ड इन वॉरफेयर. तो यहाँ की पेंटिंग्स में भी नेचर और ये वॉरफेयर भी रिफ्लेक्ट होगा. दीज स्टेट्स वर सेंटर ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक एक्टिविटी फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 17th टू नियरली मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी. तो ये क्या था, ये एक हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि हम विजुअल आर्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इसका ऐसे सिस्टमेटिक पढ़ने का भी अपना बेनिफिट होता है. इससे क्या होता है, एक बैकग्राउंड समझ में आता है, थीम समझ में आती है कि अब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं. सो दिस इज विजुअल आर्ट. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल आर्ट है, ये लायन कैपिटल है, अशोक स्तंभ बोलते हैं इसे, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है ये एक स्टोन. ये स्कल्पचर्ड पैनल है, फीमेल फिगर्स हैं, मिथिकल एनिमल्स हैं ये. देन अधिंता टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश में है ये. इसके बाद ये है, ये क्या है, ये सूर्य वैताल देव टेम्पल है, सन टेम्पल, वैताल देव टेम्पल. ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये. देन नोट डाउन, दीज आर किस डिज़ाइन से बना है, क्या थीम है, क्या डिपिक्ट हो रहा है इन पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स में, फिगराइन कैसे बने हुए हैं, यही चीज़ होती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अभी हम बेसिक है, इसको अब हम स्टेप अप करेंगे एज वी मूव फर्दर. सिमिलरली यहाँ पे भी इनके शेप्स देखिए, ये क्या है, ये केव नंबर वन है, कहाँ पर है, बादामी, बादामी कहाँ पर है, कर्नाटका में है. सो दिस इज केव नंबर वन और यहाँ पे ये बना हुआ है. देन दिस इज हमजा नामा. हमजा नामा किसने लिखा था, मिनिएचर है, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का है ये हमजा नामा. इसको मिनिएचर क्यों बोला, ऐसी कोर्ट इतने बड़े होते हैं, बट इस कोर्ट को इन्होंने एक पेपर में ड्रॉ कर दिया है. सो दैट इज वाई इन्होंने मिनिएचराइज कर दिया है कोर्ट को. तो दैट इज मिनिएचर मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग. ये क्या है, ये बशौली है, पहाड़ी, मिनिएचर ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग. देन सी कलर कितने विविड हैं यहाँ पे, डिज़ाइन कैसे रखी है इन्होंने, लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, क्या लव थीम है. सो ये कलर कौन सा यूज़ किया है, ऑयल पेंट है या नहीं है, ये सब चीज़ें आती है इस पेंटिंग एंड ऑल में. सो बशौली है यहाँ पे, हमजा नामा है, केव नंबर वन बादामी है, दिस इज सूर्य वैताल देव टेम्पल भुवनेश्वर है, ये है अभिदंता टेम्पल खजुराहो के, और ये लायन कैपिटल अशोक स्तंभ के हैं. सो ये क्या थी, ये थी विजुअल स्टार्ट. हैव पेशेंस, वी आर गोइंग टू रीड एवरीथिंग. नॉट ओनली दिस, वी आर ऑल्सो रीडिंग द एनसीईआरटी बुक ऑफ दिस कल्चर, दैट इज ऑल्सो अगेन अ वंडरफुल बुक. सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फीचर, इंट्रोडक्शन, विजुअल आर्ट. अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर. इंडियन आर्किटेक्चर में भी विल स्टार्ट विद दिस इंडस सिविलाइजेशन. हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये जनरल व्यू हाउस लोथल, लोथल में क्या है, गुजरात में. देन दिस इज लोमस ऋषि केव, आपने से अक्सर नाम पढ़ा होगा, ये ऐसी होती है लोमस ऋषि केव, ये कहाँ पर है, बिहार में है. सो विल डू दिस इन नेक्स्ट वीडियो. हम इसको लेंथ वाइज ये सारे वन बाय वन ऐसे पूरे कंप्लीट करने वाले हैं ऐसे. ओके, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एड मोर इन्फॉर्मेशन इन
backward and forward linkages about all of these features. So the idea is to cover this visual sources, then performance art, and then we'll cover literature. ये तीन section जो है वो अपन इस CCRT से पूरा देखने वाले हैं. That will form a major chunk of our art culture preparation. Okay, so thank you so much for watching this video and take care.